गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम योर सिलेबस, साइंस सिलेबस, हेल्दी ईटिंग यानी स्वस्थ भोजन. हेल्दी ईटिंग मतलब स्वस्थ भोजन. आंसर दीज क्वेश्चंस, ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स के दौरान मैं आप लोगों के SA1 पार्ट में शो करने वाली हूँ. ठीक है, ध्यान से देखना बच्चे. What is balanced diet? ये आप लोगों के लिए स्पेशली वीडियो इसलिए है ताकि आप लोग एक बार डीपली क्वेश्चन आंसर को समझ सकें. What is balanced diet? A balanced diet contains the right amount of all the nutrients. Balanced diet का मतलब होता है संतुलित आहार. संतुलित मतलब किसी चीज़ को बैलेंस करना, मतलब बैलेंस मीन्स मेंटेन करके चलना. ठीक है, बैलेंस इन द सेंस किसी चीज़ को बैलेंस, एक ऐसी मात्रा में कंज्यूम करने का मतलब होता है उपभोग करना, कंज्यूम करना कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक ना हो. ठीक है, बैलेंस्ड डाइट अब हम लोग कैसे लेते हैं, ध्यान से देखना बच्चे. अ बैलेंस्ड डाइट, एक संतुलित आहार कंटेन्स क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती है. कंटेन्स द राइट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स. और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बच्चे, न्यूट्रिएंट्स मतलब प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ठीक है, वैसे ये 5 काउंट किए जाते हैं बट अकॉर्डिंग टू योर बुक विटामिन्स और मिनरल्स को एक ही काउंट किया गया है क्योंकि इन दोनों का काम एक ही होता है. विटामिन और मिनरल का काम क्या होता है, ये हमें डिजीज फ्री रखते हैं. ठीक है, हमें बीमारियों से मुक्त रखते हैं. दे प्रोटेक्ट अस, हमें बीमारियों से बचाते हैं. ठीक है, फ्रॉम द डिजीज. सो बैलेंस्ड डाइट का मतलब होता है कंटेन्स द राइट अमाउंट, यानी इसके अंदर सारी चीज़ें इक्वल मात्रा में पाई जाती हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. यहाँ 5 नेम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, बट 1, 2, 3, 4 फोर्थ नंबर पे आप इन दोनों को एक साथ काउंट करेंगे क्योंकि इन दोनों का काम एक ही होता है. और विटामिन्स और मिनरल्स किसके अंदर पाए जाते हैं, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर. ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर. फिर से देख लीजिए, अ बैलेंस्ड डाइट कंटेन्स द राइट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट, यानी मेन कंपोनेंट कह लीजिए या मेन सब्सटेंस कह सकते हैं या फिर आप लोग न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हैं. राइट द मेन न्यूट्रिएंट्स ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट, यहाँ कुछ भी तीनों चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बुक कंपोनेंट्स बोला गया है, अदरवाइज इन्हें न्यूट्रिएंट्स भी बोला जाता है. सो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब चीज़ें हमें ज़रूर लेनी चाहिए, डेली डेली हमें लेना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन फूड प्रिजर्वेशन यानी भोजन का संरक्षण कैसे करना चाहिए, द प्रोसेस क्यों करना चाहिए या किस लिए करना चाहिए. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड, वो प्रक्रिया जिसमें फूड को प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्ट का मतलब बचाया जाता है फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड यानी सड़ने से. जब खाना सड़ने लग जाता है उसे बचाने की जो प्रोसेसिंग होती है एंड कीपिंग इट सेफ टू ईट, और इसे खाने के लायक बनाने रखने के लिए सेफ किया जाता है. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, वो प्रक्रिया जिसमें खाने को सड़ने से बचाया जाता है एंड कीपिंग इट सेफ टू ईट, और इसे सुरक्षित रखा जाता है खाने के लिए, इट इज़ कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन. और फूड प्रिजर्वेशन अलग अलग तरीके से किया जाता है, जैसे कि फ्रीजिंग, कैनिंग, बॉयलिंग, है ना, अलग अलग तरीके से भोजन को हम लोग प्रिजर्व करते हैं. आपने देखा दूध को उबाल के रखा जाता है तो दैट मीन्स बॉयलिंग. एंड पिकल्स, अचार के रूप में हम लोग रखते हैं कुछ सब्जियों को, लाइक हम लोग फ्रूट्स की भी बात करें, आम है ना, मैंगो पिकल, नींबू पिकल, रेडिश पिकल, अचार भी हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं. सो अलग अलग वेज होते हैं, डिफरेंट जिनके थ्रू हम लोग फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं. जैम, फ्रूट्स को लॉन्ग टाइम के लिए खाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैम जेली बना के यूज़ करते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड फूड, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है. वी नीड फूड टू स्टे अलाइव, लंबे समय तक जीने के लिए.
ठीक है, लंबे समय तक जीने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है. राइट एनी थ्री हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, आपको थ्री हेल्दी ईटिंग हैबिट्स लिखनी है. तो थ्री बोला है तो थ्री लिखेंगे, टू बोला है तो टू लिखेंगे. थ्री हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आर, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, यानी हमेशा खाना खाने से पहले और बाद में हाथों को वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए. च्यू योर फूड वेल, च्यू मतलब चबाना, च्यू योर फूड वेल, अच्छे से भोजन को चबाओ. ईट ओनली कवर्ड फूड आइटम्स, हमेशा ढका हुआ खाना आपको यूज़ करना चाहिए. ठीक है, और मैं एक बार आप लोगों को बुक के थ्रू आपको मैं दिखा देती हूँ बैलेंस डाइट किसे कहा जाता है. ये देखो, दिस इज़ द बैलेंस डाइट, ये एक संतुलित आहार है. ये पिरामिड के थ्रू आपको दिखाया गया है कि आपको रेगुलर क्या लेना चाहिए. ठीक है, ये आपको, यानी आपको यहाँ से एनर्जी आइटम होता है, ये प्रोटेक्टिव आइटम है, ये बॉडी बिल्डिंग आइटम है. तो आपको ये पिरामिड में ये बैलेंस डाइट है, आपका बैलेंस डाइट चार्ट है. यानी आपको चपाती ब्रेड ज़रूर लेना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना चाहिए, मिल्क कर्ड चीज़, जो ये जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन ही ले सकते हैं, लेकिन जो नहीं है उनके इंस्टीट्यूट में वो ये सब ले सकते हैं. ठीक है, और अदर्स मतलब चिप्स कुकीज़ वगैरह वंस ए वीक चल सकता है. ठीक है, सो ये आपका बैलेंस डाइट चार्ट कहलाता है. और आपको फूड प्रिजर्वेशन भी आपको बता दिया था मैंने, रेफ्रिजरेटिंग, डीप फ्रीजिंग, पिकलिंग, कैनिंग, ये सब चीज़ें होती हैं. इसमें आपको बुक वर्क आप लोगों को पता ही है, आप लोग मैं बहुत बार करवा चुके हैं, तो बुक वर्क के लिए आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है. जैसे जैसे आप समझते जाएंगे चैप्टर के अकॉर्डिंग, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा. चैप्टर को रीड करेंगे ना, आपको सारे आंसर ईजिली समझ में आ जाएंगे. ठीक है बेटा, तो आप लोग चैप्टर को अच्छे से रीड करना, अच्छे से तैयारी करना एग्ज़ाम्स की. ठीक है, थैंक यू सो मच.